आप देखें इस अस्तित्व में कितनी अद्भुत अद्भुत चीजें होती। एक हाथी को आपने देखा है, इतना विराट शरीर है उसका। एक हाथी औसत रूप से दिन में 300 किलोग्राम का भोजन करता है, और हाथी के पास अपने चारे का इंतजाम करने के लिए क्या है? कुछ नहीं। और हर हाथी को उसका चारा मिल जाता है, उसके पास सोचने का कोई तिकड़म नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है जो तुम बनाते रहते हो दिन भर अपने कामों के लिए और फेल हो जाते हो। 300 कुंटल चारा, तुम्हें कितना चाहिए? तुम्हें तो मुश्किल से 300 ग्राम चाहिए, और 300 ग्राम के लिए तुम्हारी छाती फट जाती है, तुम अपना नरक कर देते हो। काहे को करते हो भाई? सिर्फ नासमझी के कारण। तुम्हारे अधिकांश दुखों का मूल कारण है तुम्हारी नासमझी। तुम्हारे भीतर भरोसा नहीं है कि जिस अस्तित्व ने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारे भीतर सपने दिए हैं, तुम्हारे भीतर चाह पैदा की है। तुम्हारे भीतर जो चाह पैदा की है वो दूसरे के भीतर नहीं पैदा की, दूसरे के भीतर दूसरी चाह पैदा की, हमारे भीतर दूसरी चाह पैदा की, उसके भीतर तीसरी चाह पैदा की। हर व्यक्ति के भीतर अलग अलग चाह उसने पैदा की। जिसके भीतर जो चाह पैदा की है उसकी उस चाह को पूरा करने का इंतजाम भी उसने कर रखा है। तुम उपलब्ध रहो हंसते खेलते हुए, अस्तित्व अपने आप तुम्हारी चाह को पूरा करने की दिशा में ले जाएगा। ये जिसने भी जाना है, जिसने भी अनुभव किया है, जिसने भी पाया है, उस सब ने चीख चीख कर कहा है। वही संदेश मैं आपके प्राणों तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे अपने जीवन का जो गहन अनुभव है उसका सत्य तुम्हारे प्राणों तक पहुंचाना चाहता हूं। आखिर क्यों तुम्हारे अंदर ये भरोसा नहीं पैदा होता है? इसलिए कि तुम्हें इस दिशा में समझ पैदा करने के लिए कुछ भी बचपन से उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तुम्हारी इस दिशा में कोई शिक्षा दीक्षा नहीं होती है। जिंदगी को कैसे जीना चाहिए इस विज्ञान को सिखाने के लिए कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं। ये काम छोड़ दिया गया है, किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। जबकि मेरा मानना है कि सबसे पहले हर बच्चे को जीवन जीने की कला, जीवन जीने का विज्ञान सिखाया जाना चाहिए, अनिवार्य है। ये हर हालत में पाठ्यक्रम का अंग बनना चाहिए। और माँ बाप अगर उनके भीतर समझ आ जाए तो पालन पोषण करने के साथ साथ ये कला और ये विज्ञान भी बच्चों के जीवन में आत्मसात हो सकती है। ये सारा जीवन तुम्हारे भरोसे का खेल है। कहते हैं एक सदगुरु अपने शिष्यों को लेकर समुद्र के पार किसी देश से वापस अपने देश लौट रहा था, और जिस समुद्री जहाज से लौट रहा था रास्ते में एक बड़ी दुर्घटना की स्थिति पैदा हो गई। बहुत भारी तूफान आया। तूफान इतना तेज था कि लगा कि अब नाव डूबी कि तब। और जितने भी शिष्य थे, सैकड़ों की संख्या में शिष्य, सारे घबराने लगे, सारे के पसीने छूटने लगे, छक्के छूट रहे थे। लेकिन गुरु था कि वो आनंद भाव से मग्न बैठा हुआ था। सूफी फकीर उसके आसपास जो उसके शिष्य थे वो उससे पूछने लगे, गुरुदेव हम सबकी जान खतरे में है और आप कोई उपाय ना करने के स्थान पर अपनी मस्ती में डूबे हुए हैं, आपको जैसे कोई फिक्र ही नहीं है, आखिर ऐसा क्यों? सूफी फकीर ने सामने पड़े अपने झोले से एक तेज धारदार चाकू निकाला और अपने शिष्य के गर्दन पर लगा दिया। शिष्य चौंका। फकीर पूछता है, ये बताओ तुम मेरे इस चाकू से भयभीत हो रहे हो कि नहीं? उन्होंने कहा, गुरुदेव आपके चाकू से क्या भयभीत होना, मुझे तो पता है आप में इतना प्रेम भरा है, आप अपना चाकू मेरी गर्दन पर चला ही नहीं सकते, इसलिए आपके चाकू से मुझे बिल्कुल कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। उस फकीर ने कहा, जैसे तुम्हें मेरे पर इतना भरोसा है कि मेरे चाकू से कोई भय नहीं है, इतना ही भरोसा मुझे अस्तित्व पर है, परमात्मा पर है, और मुझे इस आंधी तूफान का इसी कारण कोई भय नहीं है कि अस्तित्व परमात्मा नाव को डुबो नहीं सकता है, कुछ भी कर सकता है। तुम्हारे भीतर वो भरोसा नहीं है, इसीलिए तुम डरे डरे जी रहे हो। पहली बात, अगर तुम चिंता तनाव अशांति उपद्रव की दुनिया से मुक्त होना चाहते हो तो एक ही सूत्र है,
सदगुरु के सहारे, मेरे सहारे, यही मेरी भूमिका है। तुम भरोसा कर लो कि जिस अस्तित्व ने, परमात्मा ने तुम्हें ये जीवन दिया है, तुम्हारे भीतर चाह दी हैं, तुम्हारे भीतर सपने पैदा किए हैं, अगर तुम बेशर्त हंसते हुए खेलते हुए जीने की कला सीख गए, तो वह अस्तित्व, वो परमात्मा तुम्हारे सपनों को स्वतः पूरा करता जाएगा, पूरा करता जाएगा, पूरा करता जाएगा।